कहानी की शुरुआत में हम अंतरिक्ष में किसी गैलेक्सी के आखिरी छोर पर मौजूद एक मैजिकल प्लेनेट को देखते हैं, जिसका नाम था म्याऊ स्टार। वहां पर पृथ्वी से भी पहले से जीवन मौजूद था, और जिस प्रकार पृथ्वी इंसानों का प्लेनेट था, ठीक उसी तरह म्याऊ स्टार बिल्लियों का प्लेनेट था। वहां पर रहने वाले सारे कैट्स काफी ज्यादा विकसित थे और इंसानों की तरह एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन स्पेस में दो बड़े बड़े मेटेराइड के टकराने की वजह से म्याऊ स्टार पर बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड की बारिश होने लगी, जिससे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगा, क्योंकि म्याऊ स्टार उन दोनों टकराए हुए एस्टेरॉयड के रास्ते में था। म्याऊ स्टार को डिस्ट्रॉय होता देखकर म्याऊ किंग ने अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कुछ म्याऊ योद्धाओं को अर्थ पर भेजा, ताकि वो अर्थ के इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना ले और म्याऊ स्टार के सारे कैट्स अर्थ पर आकर उसे अपना नया घर बना ले। अब देखते ही देखते कई हजार साल बीत गए और म्याऊ स्टार से अर्थ पर लोगों को गुलाम बनाने आए योद्धा खुद उनके प्यार में गुलाम बन गए। कुछ म्याऊ स्टार योद्धा मिस्र में लैंड हुए, जहाँ के लोग उन्हें अपना गॉड मानने लगे, तो वहीं कुछ म्याऊ स्टार योद्धा इंडिया में लैंड हुए, जहाँ पर उन्होंने इंडिया के लोगों को योगा सिखाना स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार अर्थ पर पहली बार योगा आया। म्याऊ स्टार के किंग ने जब अर्थ पर भेजे गए अपने योद्धाओं का ऐसा हाल देखा, तो उसने म्याऊ प्लेनेट के प्रिंस को अर्थ पर भेजने का डिसाइड किया, ताकि वो अर्थ पर जाकर पहले से भेजे गए योद्धाओं के साथ मिलकर इंसानों पर हमला करके उन्हें गुलाम बना ले और इसके बाद पूरे अर्थ पर सिर्फ म्याऊ वासियों का राज हो। वहाँ का किंग प्रिंस को एक मैजिकल लॉकेट देता और प्रिंस को बताता है कि वो अर्थ पर जाने के बाद उस लॉकेट को खुद से दूर ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थ पर उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो सिर्फ एक नॉर्मल सा कैट बनकर रह जाएगा। किंग का आदेश मिलते ही प्रिंस उस मैजिकल लॉकेट को लेकर अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम साओलुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ एक न्यूज एजेंसी चैनल में एंकर का इंटरव्यू देने आया था, लेकिन वो इतनी खराब एंकरिंग करता है कि सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे एंकर की जॉब नहीं मिलती है। साओलुंग एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था, लेकिन एक मैच जीतने के बाद जब उसे इनाम के तौर पर पैसों का चेक मिला, तो वो तेज हवाओं की वजह से आसमान में उड़ गया और इस प्रकार उसे एक भी रुपया नहीं मिल पाया। इसके बाद साओलुंग ने बहुत सारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, लेकिन सभी में वो फेल रहा। साओलुंग की वाइफ मिसली एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बहुत सारे एड शो किए, लेकिन अपनी खराब एक्टिंग की वजह से वो उसमें भी फेल रही। लेकिन अब तक वो अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है। साओलुंग और मिसली का बेटा यावो एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए वो हर समय अपने कैमरे से अजीबोगरीब चीजें शूट करता रहता था। लेकिन जब वो अपने द्वारा बनाई गई वीडियो और फुटेज को सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो कोई भी उसे देखता नहीं था, जिससे याओ बहुत दुखी रहता था। याओ की छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका एक पैर खराब है, जिससे उसे अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसके क्लासमेट भी उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। एक दिन जब वो पार्क में अकेले होती है, तो वो गॉड से अपने लिए एक प्यारा सा दोस्त मांगती है, क्योंकि स्कूल में उसका एक भी फ्रेंड नहीं था। अगले सीन में हम म्याऊ प्लेनेट के किंग जीजी को देखते हैं, जो अपने स्पेसशिप के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही एयर प्रेशर की वजह से उसके स्पेसशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उसी दौरान उसका मैजिकल लॉकेट उससे छूटकर नीचे शहर में गिरकर कहीं पर खो जाता है और अगले ही पल उसका शिप भी क्रैश हो जाता है और वो उसी शहर में गिरता है जिसमें साओलुंग अपनी फैमिली के साथ रहता था। इसके बाद हम साओलुंग को देखते हैं, जिसे एक डायरेक्टर का कॉल आता है, जो साओलुंग को बताता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जा रहा हूँ और अगर तब तक के लिए तुम मेरे कैट का ध्यान रखोगे, तो मैं तुम्हें इसके बदले कोई अच्छा काम दे सकता हूँ। साओलुंग इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और उनके बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो उसके घर में किसी कैट को लाए और हर समय उसका ध्यान रखना पड़े। वहीं दूसरी तरफ जीजी सिटी के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखकर पूरी तरह से हैरान था कि तभी उसे साओलुंग का घर दिखाई देता और उसे याद आता है कि स्पेसशिप से उसका लॉकेट नीचे उसी घर में गिरा था, जिसके बाद वो एक ऊंची जंप लगाकर साओलुंग के घर तक पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि अपने लॉकेट को वापस से हासिल कर सके। लेकिन लॉकेट के पास ना होने की वजह से वो अब एक नॉर्मल कैट बन गया था, जिसकी वजह से वो अगले ही पल नीचे गिर जाता और उसे बहुत जोर से चोट लगती है। अब वहां पर वो डायरेक्टर भी अपने कैट के साथ कार में बैठकर वहां पर आ जाता है और वो साओलुंग से बात करने लगता है, लेकिन इस दौरान प्रिंस जीजी जब डायरेक्टर की कार में उसके बिल्ले को देखता है, तो वो ह्यूमंस के साथ रहने के लिए खुद को डायरेक्टर के कैट की तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ताकि लोग उसके साथ भी बाकी कैट्स की तरह फ्रेंडली रहे। जीजी खुद को डायरेक्टर के बिल्ले की तरह ट्रांसफॉर्म तो कर लेता है, लेकिन उसका साइज किसी नॉर्मल कैट से काफी ज्यादा बड़ा था। उस डायरेक्टर का कैट प्रिंस जीजी को देखकर वहां से डरकर भाग जाता है।
वो डायरेक्टर सालुंग को अपने कैट का ध्यान रखने का बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब सालुंग प्रिंस जीजी को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो साइज में काफी बड़ा था। पर वो किसी तरह जीजी को अपने घर लाता है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर भी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान थे। पर जीजी को देखकर उसकी बेटी यौ बिल्कुल भी डरती नहीं है, क्योंकि जीजी को देखकर उसे लग रहा था कि उसे उसका नया फ्रेंड मिल गया है। पहले तो जीजी सोचता है कि वो अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालकर सालुंग के साथ ही उसके फैमिली मेंबर को मार दे, लेकिन उसे सबसे पहले अपना लॉकेट ढूंढना था, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता और उनके साथ फ्रेंडली बनकर रहने लगता है। रात होने पर जीजी सिग्नल देकर म्याओ प्लेनेट के सारे योद्धाओं को एक कमरे में बुलाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अब उनके योद्धाओं में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। वहाँ की एक योद्धा जीजी को बताती है कि अर्थ पर हम तो इंसानों के गुलाम बनकर रह गए हैं। जीजी ये बात सुनकर सबसे पहले सालुंग और उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मारने का डिसाइड करता है ताकि वो इंसानों का गुलाम बनकर ना रहे। और रात होने पर जीजी एक एक करके सालुंग और उसके फैमिली के सारे मेंबर के कमरे में उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी इंसान को मारा नहीं था। और वो यौ की मासूमियत देखकर रुक जाता है और अगले दिन ट्राई करने का डिसाइड करता है। सुबह होने पर यौ जीजी के गले लग जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि अब बाकी के नॉर्मल कैट्स की तरह उसके अंदर भी ह्यूमंस के प्रति वफादारी वाली फीलिंग आ रही थी। अब सालुंग और उसके फैमिली मेंबर जीजी को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीजी को कुछ पसंद नहीं आता, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। याओ हर समय अपने कैमरे से जीजी का वीडियो बनाता रहता था। अब जीजी को जब खाने का कोई भी सामान पसंद नहीं आता तो सालुंग अपनी फैमिली के साथ मार्केट चला जाता है ताकि वो मार्केट से खाने का कोई ऐसा सामान ला सके जो जीजी को पसंद हो। और कुछ समय बाद जब सालुंग अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करके वापस आता है तो वो लोग घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके गैर मौजूदगी में जीजी ने घर का सारा सामान इधर से उधर कर दिया था, क्योंकि उस दौरान वो अपना मैजिकल लॉकेट ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अपना लॉकेट मिला नहीं था। घर की ऐसी हालत देखकर ली पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और वो जीजी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सालुंग अपनी वाइफ को ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो जीजी को डायरेक्टर का पालतू बिल्ला समझ रहा था। इसके बाद सभी लोग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं, लेकिन उस दौरान जब जीजी की नजर एक पॉइजन की बोतल पर जाती है तो वो पॉइजन को दूध में मिला देता है ताकि पॉइजन से मिला दूध पीकर सालुंग और उसके फैमिली के सारे मेंबर मारे जा सके। अब जीजी को खाने के लिए केक दिया जाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है, पर वो इंतजार कर रहा था कि कब सालुंग और उसके फैमिली मेंबर पॉइजन से मिला दूध पिएंगे। लेकिन सालुंग और उसके फैमिली मेंबर पॉइजन से मिला दूध पीते नहीं और मिछली पॉइजन से मिला दूध लेकर जीजी के पास पहुँचती है, क्योंकि उन्होंने जीजी के लिए दूध में मछली बनाई थी। अब ना चाहते हुए भी जीजी को पॉइजन मिला दूध और मछली खानी पड़ती है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। रात में जब वो घर से बाहर बैठा होता है तो उसे दो चोर दिखाई देते हैं जो पड़ोस के घर में चोरी करने आए थे, लेकिन जीजी जानबूझकर उन दोनों चोरों को सालुंग के घर पर ले आती है और वो दोनों चोर सालुंग के घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। सोते समय मिसली को घर में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो अपने हस्बैंड सालुंग के साथ घर के किचन में जाती है तो देखती है कि वो दोनों चोर किचन में आराम से खाना खा रहे थे। अब यहाँ पर उनके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों चोर उन्हें बंदी बना लेते हैं। वो दोनों सालुंग और मिसली से घर का सारा कीमती सामान लाने को कहते हैं, पर उनके घर में कोई कीमती सामान या पैसा नहीं था क्योंकि वो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। चोरों का ध्यान भटकाने के लिए सालुंग उन्हें अपने बिजनेस के पुराने प्रोडक्ट दिखाने लगता है, जिनके यूज से वो और भी आसानी से चोरी कर सकते थे। पहले तो वो दोनों चोर उसकी बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन जल्दी वो गुस्से में आ जाते हैं और सालुंग और उसके फैमिली मेंबर के साथ मारपीट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सालुंग के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो उन्हें देना नहीं चाहता। अब यहाँ पर जीजी भी आ जाता है जो छुपकर उन्हें देख रहा था। सालुंग और उसके फैमिली मेंबर जीजी को वहाँ से जाने को कहते हैं। जीजी ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि उसने जिन लोगों को प्रॉब्लम में डाला वो उसे बचाना चाहते हैं। अपनी गलती का एहसास होने के बाद जीजी सालुंग और उसके फैमिली मेंबर को बचाने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो उन दोनों चोरों के सामने आ जाता है। जीजी को देखकर वो दोनों चोर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी कैट देखा नहीं था। अब जीजी गुस्से से उन दोनों चोरों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों चोर दूर जाकर गिरते हैं और फिर दोबारा उठ नहीं पाते। सालुंग और उसकी फैमिली मेंबर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और जीजी को गले से लगा लेते हैं। उस समय जीजी को भी काफी अच्छा फील हो रहा था और वो बहुत खुश था। अगले दिन जब यौ स्कूल जाती है तो उसकी क्लास टीचर उसे बताती है कि यौ मैथ के टेस्ट में फेल हो गई है। और अगले दिन जब वो स्कूल आए तो अपने पेरेंट के साथ आए, क्योंकि क्लास टीचर यौ के पेरेंट से बात करना चाहती थी। वो ये जानकर बहुत दुखी होती है और जब वो घर आकर अपनी मॉम के पास स्कूल चलने के लिए बोलने के लिए आती है तो वो अपनी मॉम से ये बोल नहीं पाती और वापस से अपने कमरे में
चली जाती है। यो इस समय पूरी तरह से परेशान थी कि आखिर वो अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को कैसे ले जाए। इसी समय जीजी घर में अपना मैजिकल लॉकेट ढूंढ रहा था और इस दौरान वो गलती से कपड़ों में फंस जाता है। यो जब जीजी को कपड़े में लिपटी हुई देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वो जीजी के कपड़े पहनकर और मास्क लगाकर अपने स्कूल में जाती है। जीजी को देखकर यो की क्लास टीचर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि जीजी काफी ज्यादा मोटी और एक बिल्ली की तरह लग रहा था। उसकी क्लास टीचर यो से अपनी मॉम का मास्क हटाने के लिए बोलती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि मास्क के पीछे वास्तव में उसकी मॉम है या कोई और, लेकिन वो अपने क्लास टीचर से ये झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम बीमार है जिसकी वजह से वो मास्क नहीं हटा सकती। वो अपनी क्लास टीचर से बातें कर ही रही थी कि तभी जीजी एक चिड़िया को देकर उसे पकड़ने के लिए क्लास के बाहर चला जाता है और चारों तरफ घूम घूम कर उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। यो की क्लास टीचर ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अपनी क्लास टीचर को जाता देखकर यो रोने लगती है और उससे कहती है कि मेरी मॉम को एक अजीब सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे एक कैट में बदलती जा रही है। उसकी बातें सुनकर यो की क्लास टीचर इमोशनल हो जाती है और उसे पास करने के लिए तैयार भी हो जाती है जिससे यो बहुत खुश होती है और वो जीजी के साथ खूब इंजॉय करती है। जीजी भी यो के साथ रहकर बहुत खुश था और वो उसकी पूरी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करता है। एक दिन मिस ली देखती है कि उनके घर के बाहर दीवार पर कुछ लोग सोलुंग के फोटो के साथ पोस्टर चिपका रहे थे जिन पर लिखा हुआ था कि सोलुंग के ऊपर $2 मिलियन का कर्ज है। मिस ली ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और पोस्टर चिपकाने वाले लोगों से लड़ने लगती है। अब यहाँ पर सोलुंग भी आ जाता है और जब मिसली उससे पूछती है कि क्या सच में उसने $2 मिलियन का कर्ज लिया है तो सोलुंग को याद आता है कि उसने कर्ज तो नहीं लिया था लेकिन उसने गारंटर बनकर अपने फ्रेंड डेविड को $2 मिलियन का कर्ज जरूर दिलवाया था, यानी कि डेविड लोन लेकर भाग गया और कर्ज नहीं चुका रहा है। अब क्योंकि सोलुंग ने ही गारंटर बनकर डेविड को लोन दिलवाया था इसीलिए अब उसे वो $2 मिलियन चुकाना होगा। सोलुंग की ये बातें सुनकर मिसली उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है। मिसली गुस्से में सोलुंग को मारने लगती है लेकिन सोलुंग बड़े ही चालाकी से मिसली को किस करके उसका गुस्सा शांत कर देता है। घर वापस आने के बाद सोलुंग और मिसली पूरी तरह से परेशान थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। वो दोनों अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी याओ को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि उसने जीजी के जिन वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो वायरल हो गए हैं। या वो ये सुनकर बहुत खुश होता है और जब वो ये बात अपनी फैमिली को बताता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। वीडियो के वायरल होने की वजह से जीजी को सोलुंग और उनकी फैमिली के साथ बहुत सारे ब्रांड्स के एड शूट करने का ऑफर आने लगा था। सोलुंग और उनकी फैमिली ये मौका किसी भी तरह से जाने नहीं देना चाहते थे इसीलिए वो जीजी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट के एड शूट करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। इस दौरान वो खूब इंजॉय भी करते हैं। अब एक दिन जब सोलुंग एक होटल में होता है तो वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक रुद्राक्ष माला देता है और उसे बताता है कि ये माला सबसे ऊंची पहाड़ी पर पाए जाने वाले रुद्राक्ष से बनाया गया है और ये बहुत पवित्र है इसीलिए तुम इस पवित्र माला के बदले कुछ पैसे दे सकते हो। सोलुंग वो माला लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो आदमी उस माला के बदले ढेर सारे पैसे मांग रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जो सोलुंग को बताता है कि ये झूठ बोल रहा है कि ये माला असली रुद्राक्ष है और इसके बाद वो उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। वो आदमी सोलुंग को समझाता है कि हमें ठगों से बचकर रहना चाहिए और फिर इसके बाद वो उसे बताता है कि मैं खुद एक बहुत बड़ा संत हूँ। अब वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो अपने साथ एक मैप लाया था। दोनों आदमी आपस में बात करते हैं कि ये खजाने तक पहुँचने का नक्शा है और अब हम अमीर बन जाएंगे। सोलुंग वहाँ पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसके पास भी खजाने तक पहुंचने का नक्शा था। दोनों नक्शा देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो बहुत जल्दी खजाना ढूंढकर अमीर होने वाले थे। सोलुंग वहां पर बैठकर सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था कि तभी मैप लाने वाला एक आदमी बताता है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने ही जीने वाला हूँ, इसीलिए मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा, मुझे सिर्फ तुम लोग कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बाकी के 3 महीने की लाइफ को अच्छे से जी सकूं। अब बाकी के तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उनका साथी अपना नक्शा बेचना चाहता था। उन तीनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मैप खरीदे इसीलिए वो सोलुंग से वो मैप खरीदने को कहते हैं और इसके बदले वो उसे ढेर सारा खजाना मिलने का लालच देते हैं। सोलुंग वो मैप खरीदने को राजी हो जाता है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सारे मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे थे और उनकी एक पूरी टीम थी जो सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को ठगते थे। सोलुंग उनकी जाल में फंस चुका था और खजाने के लालच में उन्होंने अब तक जितने भी पैसे कमाए थे वो उन सारे पैसों को बैंक से निकालकर उस ठग को देने के लिए निकल पड़ता है। मिसली को जब ये पता चलता है कि सोलुंग ने बैंक से
सारे पैसे निकाल लिए हैं तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शालुंग के लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर शालुंग उतने सारे पैसों का क्या करेगा। शालुंग वो सारे पैसे लाकर उन लोगों को दे देता है और उन पैसे के बदले वो नकली मैप लेकर खुश हो रहा था। अब इससे पहले कि वो लोग पैसे लेकर वहां से जाते, वहां पर मिसली भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। मिसली देखती है कि टीवी में आ रहे न्यूज में उन दोनों की तस्वीर थी और बताया जा रहा था कि वो तीनों चोर हैं जो लोगों को ठग कर उनसे पैसे लूटते हैं। अपनी सच्चाई सबके सामने आने के बाद वो चोर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मिसली शालुंग के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वो चोर सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। अपने सारे पैसे खोने से मिसली शालुंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने मेहनत से कमाए पैसे को सिर्फ कुछ ही समय में गंवा दिया था। शालुंग एक बार फिर से मिसली को किस करके मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बात नहीं बन पाती, क्योंकि मिसली ने सोचा था कि उन पैसों से वो अपनी बेटी यौ के पैरों का इलाज करवाएगी, लेकिन शालुंग की एक गलती की वजह से अब कुछ भी नहीं हो सकता था। इसीलिए मिसली गुस्से में अपने बच्चों के साथ शालुंग को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। शालुंग की फैमिली को बिछड़ता देखकर जीजी भी बहुत दुखी था, क्योंकि अब वो खुद को उस फैमिली का एक मेंबर मानने लगा था। अगले सीन में हम यौ को देखते हैं जो स्कूल जाती है, तो उसे पता चलता है कि स्कूल में एक रनिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें प्लेयर के पेरेंट्स भी शामिल होंगे। यौ ये देखकर बहुत खुश होती है और उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है, लेकिन घर वापस आकर जब वो अपनी मॉम को इसके बारे में बताती है तो इससे वो साफ साफ मना कर देती है कि वो शालुंग के साथ यौ के स्कूल में होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेगी, क्योंकि अब वो शालुंग को देखना भी नहीं चाहती थी। यौ ये जानकर उदास हो जाती है, लेकिन अब जीजी भी उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो नशे में डूबे हुए शालुंग को ग्राउंड में ले आता है और उससे फुटबॉल की प्रैक्टिस करवाता है। शालुंग को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो अच्छे से ट्रेनिंग करता है। वहीं अब जीजी को उसका मैजिकल लॉकेट भी मिल चुका था, जो शालुंग के घर के ही एक पेड़ के ऊपर मौजूद था। जीजी अपना लॉकेट देखकर बहुत खुश होता है और अपने मैजिकल लॉकेट से यौ की फैमिली को वापस से पहले की तरह मिलाकर साथ में रहने का सिग्नल भेजता है। अगले सीन में हम यौ को देखते हैं जो उदास खड़ी अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। शालुंग और मिसली के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी और अब वो दोनों एक दूसरे से पहले की तरह प्यार करने लगे थे और ये सब शायद जीजी के मैजिकल लॉकेट की वजह से हो रहा था। इसके बाद यौ अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर खुशी खुशी प्रतियोगिता में भाग लेती है। यौ का भाई और उसके पेरेंट्स तो बड़ी ही आसानी से अपनी रेस जीत लेते हैं, लेकिन जब यौ की बारी आती है तो वो अपना रेस हार जाती है, क्योंकि उसका एक पैर खराब था और वो अच्छे से दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। और अब जीजी के मैजिकल पावर की वजह से यौ के पैरों में लगी जंजीर टूट जाती है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ने लगती है। ये चमत्कार देखकर यौ के फैमिली मेंबर्स और वहां पर मौजूद बाकी लोग पूरी तरह से हैरान थे और वो काफी ज्यादा खुश भी थे। अब क्योंकि जीजी को उसका मैजिकल लॉकेट वापस मिल गया था, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट म्याओ स्टार पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो उन सभी की यादों को मिटा देता है जो उसे जानते थे, जैसे कि शालुंग और उसकी फैमिली। अपने प्लेनेट पर वापस आकर जीजी अपने किंग को बताता है कि इंसानों के पास प्यार नाम का एक ऐसा खतरनाक वेपन है जो किसी को भी उनका गुलाम बना देता है। जीजी ये भी बताता है कि अर्थ पर रहने वाले इंसान काफी अच्छे हैं और हमें उन पर हमला नहीं करना चाहिए। जीजी की बातें सुनकर उसके किंग को लगता है कि जीजी अपने मिशन में फेल हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है और वो उसे आलू खोदने के काम पर लगा देता है। इधर अर्थ पर शालुंग और उसकी पूरी फैमिली साथ में बहुत खुश थे और अब उसकी बेटी भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। एक दिन अर्थ से भेजे गए एक स्पेस मिशन के दौरान कुछ डॉग्स म्याऊ प्लेनेट पर पहुंचते हैं, जिन्हें जीजी अपने प्लेनेट के आलू खिलाता है और फिर इसके बाद वो उनके साथ ही अर्थ पर वापस आ जाता है। अब क्योंकि जीजी ने शालुंग और उनकी फैमिली के साथ ही अर्थ पर उन सभी की यादों को मिटा दिया था जो उसे जानते थे, इसीलिए शालुंग और उनकी फैमिली मेंबर जीजी को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आते हैं और जीजी के साथ मस्ती करने लगते हैं। जीजी भी खुशी खुशी वापस से उन्हीं के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।